नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेज में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सुबह 6 बजे का समय हुआ है और विद्यार्थी फिजिकल के लिए आ चुके हैं। और आज मैं आपको नए विद्यार्थियों से रूबरू करवाऊंगा कि वो फिजिकल में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, साथ ही एसआई का रिजल्ट कब तक आएगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ काफ़ी विद्यार्थी नए जुड़े हैं और फिजिकल वास्तव में कितना टफ है। कई लोग घर बैठे सोच रहे हैं कि हम लोग कर लेंगे, तो अभी मैं आपको वास्तविकता में दिखाऊंगा कि लॉन्ग जंप कैसे हो रही है, चिनअप्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 100 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी हो रही है। तो यहाँ जो आ रहे हैं उनको भी ये कवर करने में 20 से 25 दिन लग रहे हैं। और सबसे टफ है चिनअप्स, जो कवर करने में विद्यार्थी अभी 20-25 दिन हो गए हैं, अब 5 पर 6 पर पहुँचे हैं, वहाँ पर 7 चिनअप्स निकालने होंगे, तो बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। तो जो घर बैठकर सोच रहे हैं कि हम कुछ झंडे गाड़ लेंगे, तो वो थोड़े से गलतफहमी में हो सकते हैं। तो जल्दी से फिजिकल ज्वाइन कीजिए और मैं आपको विद्यार्थियों से रूबरू कराऊँगा कि वो कितने दिन पहले आए हैं और अपने आप में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, और रिजल्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और कितने नंबर वाले फिजिकल करना है विद्यार्थियों से खुद रूबरू जान पहचान करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेस के इस फिजिकल ग्राउंड से। और यहाँ प्रातःकालीन फिजिकल ग्राउंड MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में यहाँ विद्यार्थी प्रातःकालीन रोज फिजिकल करने आते हैं और ये अपने भविष्य को लेकर पहले से ही सतर्क हैं, इसलिए समय से पहले ही फिजिकल करने आए और इनको कॉन्फिडेंस है कि इनको फिजिकल कॉल होगा और नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो समय से पहले तैयारी करना फायदेमंद होता है, क्योंकि SI फिजिकल में लगभग जितने विद्यार्थी लिखित परीक्षा में पास होते हैं उसमें से लगभग 70% विद्यार्थी डिसक्वालीफाई होते हैं फिजिकल के लिए, और वो 30% विद्यार्थी वही होते हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आज 26 नवंबर है और मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा प्रतीत होता है, और जहाँ तक मुझे हमेशा ऐसा लगता है और मेरे यहाँ सरस्वती विराजमान है तो बात सच भी हो जाती है, कई बार ऐसी घोषणाएं सही हुई है। मुझे लगता है कि अगले 4 दिन में ही रिजल्ट निकालने की तैयारी हो रही है और इस महीने में ही एंड तक रिजल्ट आने के पूर्ण रूप से चांसेज है। यदि ये भर्ती कोर्ट में नहीं जाती है और कोई दूसरी पेचीदगी नहीं आती है, यदि कोर्ट में चली गई तो फिर तो लंबा समय निकलेगा, लेकिन यदि RPSC का जहाँ तक अंदर की बात है पूरा रिजल्ट तैयार है और निकालने में किसी समय धमाका हो सकता है। तो मैं अब आपको विद्यार्थियों से लाइव रूबरू करवाता हूं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं और फिजिकल कब ज्वाइन किया है और वो अपने आप क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। चलिए, नमस्ते, मेरा नाम पद्मा है, मैं OBC कैटेगरी से हूँ, मेरे 275 नंबर आ रहे हैं। मैं पिछले 20 दिन से यहाँ हूँ तो मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है। जहाँ पहले मेरे 100 मीटर का सूट 20 सेकेंड में हो रहा था, अब वो 18 में हो रहा है, और लॉन्ग जंप पहले मेरा 8 होता था, अब 10 हो रहा है, और शॉर्ट फुट मेरा 18 हो रहा है। मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि उस अकेडमी में ये कमी या वो कोच अच्छे से नहीं करवाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कोच या अकेडमी कभी बुरी नहीं होती, नहीं उनमें कभी कमी नहीं होती, कमी हम में होती है। अगर हम जिस दिन हमारी कमी नोट करना स्टार्ट कर देंगे तो हम रियल में क्वालिफाई हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, 275 नंबर आ रहे हैं और इन्होंने अपने आप के अंदर परिवर्तन महसूस किया है। और पूछते हैं विद्यार्थियों से। मेरा नाम पुष्पा चौधरी, 2 दिन हुए 250 नंबर आ रहे हैं OBC से, मैं फिजिकल कर लूँगी। ठीक है, 2 दिन हुए हैं अंकल, और आपको लगता है 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे आप? हाँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समय से पहले आ गए हैं तो बिल्कुल इनको फ़ायदा होगा। मेरा नाम भावना परियार है, मुझे 220 मार्क्स आ रहे हैं और मैंने 25 डेज से ज्वाइन किया है, तो मुझे यहाँ आके बहुत चेंज लग रहा है। दौड़ और लंबी कूद सब पूरी कर लेते हैं आप? 20 सेकेंड में हो जाता है ये दौड़, और लॉन्ग जंप 9 आता है। चलिए 20 सेकेंड में दौड़ पूरी कर लेते हैं, और 20-25 दिन हुए इनको आके, ठीक है, बहुत बढ़िया है। नमस्ते, मेरा नाम अनीता विश्नोई है और मैं OBC कैटेगरी से 230 मार्क्स आ रहे हैं, और पहले मैंने सोचा था कि मैं सेल्फ कर लूँगी, बट मेरे इवेंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, फिर मैंने अर्जुन क्लासेस ज्वाइन की और यहाँ आने के बाद मुझे डेफिनेटली बेनिफिट मिला है और मेरे सारे इवेंट्स क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा नाम संतोष विश्नोई है, मेरे के 300 नंबर्स आ रहे हैं
और मैं पहले जब आई थी तब मेरे से फिजिकल ठीक नहीं हो रहा था। अभी सर मैं 17 शॉर्ट पुट फेंक देती हूँ और लॉन्ग जंप 10 कर लेती हूँ। यहाँ आने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो सर बहुत ज्यादा। चलिए तो ये कोच सर ने मेरे पहले दर्द हुआ, कोच सर ने बोला ग्राउंड मत छोड़ना, मैंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, आज सब एकदम बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। कई विद्यार्थी आते हैं तो फिजिकल में एक दो दिन में उनके पाँव के ज्वाइंट वगैरह बहुत दुखते हैं तो उस समय हार मान लेते हैं, लेकिन हमारे कोच साहब ने समय रहते इनको इस चीज के बारे में बता दिया था कि हाँ बिल्कुल दुखेंगे और वो इसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो यहाँ इस चीज का भी सोल्यूशन है, मन में हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, 2-3 दिन बाद आपका शरीर जो है वो फिजिकल के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। मेरा नाम प्रियांशी जोशी है, मेरे 206 नंबर आ रहे हैं एससी कैटेगरी से और मैंने 9 नवंबर से ज्वाइन किया है। मुझे थोड़ा रिग्रेट है, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और मेरा फिजिकल अच्छा हो रहा है और शॉर्ट पुट पहले मेरा 10 फुट था, अभी 15+ जा रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मेरे 302 नंबर आ रहे हैं, मुझे यहाँ आते हुए 1.5 महीना हो गया है और मेरे तीनों इवेंट्स क्लियर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो 302 नंबर आ रहे हैं और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी इनका परिचय दिया था आपको, तो देखो गर्ल्स में 302 नंबर बहुत बड़ी बात है। वैसे गर्ल्स में तो 210-200 तक सब क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल कॉल सबको होगा, लेकिन 300 नंबर लाना मतलब इनका फिक्स है कि फिजिकल कॉल होना है। अभी अपने सारे ही इवेंट क्लियर कर पा रहे हैं तो फिक्स है कि आप इनके कंधों पर दो सितारे देखेंगे भविष्य में आने वाले समय में, और उम्मीद करते हैं सितारे लगने के बाद भी हमसे जुड़े हुए रहेंगे और याद रखेंगे अपने गुरुजनों को और वापस एक बार इंटरव्यू देने जरूर आएंगे। सर मेरा नाम राजेश्वरी है और मेरे 270 नंबर आ रहे हैं और मैंने 4 दिन मतलब 21 तारीख से फिजिकल ज्वाइनिंग किया है और मेरा शॉर्ट पुट मतलब 16 फीट चला जाता है, जंप 10 फुट चला जाता और रनिंग तो मतलब कल 20 सेकंड में हुई थी और कोशिश करूंगी और हो जाएगी। चलिए, इनको मात्र 4 दिन हुए हैं और 4 दिन उन्होंने अच्छी कोशिश की है, काफ़ी इवेंट तक नज़दीक तक पहुंच गए, तो उम्मीद है अगले 10 दिन में ये भी अपने सारे इवेंट क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ इंटरव्यू में मैं आपको नए विद्यार्थियों का अधिक परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इनको आए हुए भी 5-10 दिन ही हुए हैं, तो आप भी समय रहते आकर इनके साथ शरीक हो सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरा नाम रेखा गहलोत है, मेरे ऐसे एग्जाम में 270+ मार्क्स आ रहे हैं और मैं पिछले हफ्ते से यहाँ पर आ रही हूँ। जिस टाइम ग्राउंड में आई थी तो मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही थी और मेरे सारे इवेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन आज मेरे सारे इवेंट्स हो रहे हैं एंड ये धीरे धीरे इम्प्रूव ही हो रहे हैं। सर बोलते हैं कि ग्राउंड में आओ तो गेंद की तरह हमेशा कूदते रहो, पेन को मत सोचो। चलिए बहुत बढ़िया, अभी भी ज्वाइन किया है और परिवर्तन महसूस हो रहा है। सर माई सेल्फ डॉक्टर निर्मला गोदारा और मेरे SI के अंदर 285+ मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 10 दिन हुए हैं ज्वाइन करते हुए, बट यस मेरा कॉन्फिडेंस है, स्टेमिना दोनों बढ़ा है और मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। फिजिकल में कितने आपके इवेंट पूरे हो जाते हैं अभी? सर अभी रनिंग के हिसाब से अभी स्लो है मेरा, बट लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट मेरा गुड आ रहा है। चलिए, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट इनका अच्छा हो रहा है और रनिंग में इनका थोड़ा सा शॉर्ट आ रहा है, लेकिन उम्मीद है अभी भी ज्वाइन किया है तो अगले 10 दिन में ये अपना रनिंग का भी टारगेट पूरा कर लेंगे। सर मेरा नाम सुधा है और मेरे 230 नंबर आ रहे हैं, मुझे अभी यहाँ आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, 2 दिन में मुझे अच्छा लग रहा है और फिजिकल एक्टिविटी अभी हो रही है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हो रही है। चलिए, इनको 2 दिन ही हुए आए हुए और ये अभी समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। उम्मीद है अगले इंटरव्यू में मैं इन्हीं के मुँह से सुनूंगा कि हाँ अभी मेरे सारे ही इवेंट पूरे हो रहे हैं। I'm Himakshi. It's been more than 15 days since I have joined Arjun classes and I'm getting 205 marks in the written examination and I'm pretty sure that I clear the physical examination. कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ आने के बाद? It's been a good experience. उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आप अपना सारे इवेंट पूरे कर लेंगे। Yeah, sure. जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कंचन राठौड़ है, मेरी EWS कैटेगरी से 260 मार्क्स प्लस NCCC सर्टिफिकेट और मुझे अर्जुन क्लासेस ज्वाइन किए हुए लगभग 1 वीक हो गया। मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। थैंक यू। जय हिंद। हेलो सर, मेरा नाम पूजा मेवाड़ा है और मैंने 169 मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरा 1 वीक हो गया है यहाँ पे फिजिकल के लिए, और लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट अच्छे से हो रहा है और रनिंग के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट हूँ तो अभी हो जाएगा। तो इनका लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट अच्छा है और रनिंग के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है अगले 10-15 दिन में इनका रनिंग का भी मामला पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी काफ़ी एक्टिव हैं और ये सभी नए जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप भी अभी समय रहते जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनके गर्ल्स में आप देख रहे हैं अमूमन सब लोग 8-10 दिन सप्ताह भर, कोई 4 दिन कोई 2 दिन पहले आएँ, तो कुछ बॉयज़ से भी चर्चा करते हैं कि वो कितने एक्टिव हैं और वो यहाँ आकर क्या फील कर रहे हैं और उनके कितनी एक्टिविटीज़ पूरी हो रही है। अब बॉयज़ से चर्चा करते हैं कि उनका फिजिकल कैसा चल रहा है, गर्ल्स का तो आपने सुन लिया तो बॉयज़ से देखें। जी सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जोगेश कुमार है, जो कि जालौर ज़िले से हूँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है और मैंने सच्ची लगन और मेहनत से 295 नंबर्स अर्जित किए हैं और मेरा फिजिकल वैसे गांव से है तो थोड़ा बहुत फिट ही था, सिर्फ मेरी क्लियर हो रही थी, लेकिन जो लॉन्ग जंप और रनिंग का थोड़ा इश्यू था, फिर मैंने इधर उधर यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने कहा कौन सी एकड़ी बढ़िया रहेगी, फिर अर्जुन का पता चला और हमारे नज़दीक भी था,
फिर ये ज्वाइन किया तो मुझे अभी रनअप 15 सेकंड में हो जाता है और चिनअप तो पूरी साथ ही। लॉन्ग जंप का थोड़ा इश्यू है तो मुझे विश्वास है कि नरेंद्र सर के मार्गदर्शन में मैं पूरा कर लूँगा उसको। बिल्कुल, इनका फिजिकल ये कह रहे हैं ग्रामीण परिवेश है अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर एक इनको कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं अब सारी एक्टिविटी वहाँ जाकर मुझे ऐसा कोई नहीं लगे कि मैं कोई एक्टिविटी पीछे छूट रही है। तो इनका फिजिकल अच्छे होते हुए भी यहाँ आकर इनको और अच्छा लग रहा है और सारी एक्टिविटी एक ग्रुप में सब साथ में करते हैं तो कुछ अलग ही मजा होता है। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे भविष्य के लिए। मुझे विश्वास है मैं कर ही लूंगा, डेफिनेटली कर ही लूंगा, कॉन्फिडेंस है कर लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम महिपाल है और मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 240 नंबर आ रहे हैं और मेरे को यहाँ ज्वाइन किए 10-12 दिन हो गए हैं और अच्छा इंप्रूव लग रहा है। मैं पहले दौड़ कर लेता पर यहाँ आके एक्चुअल में टाइम पता लगा कि इतने में हो रही है, तो दौड़ हो रही है, लॉन्ग जंप अच्छा हो रहा है और चिनअप के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे नंबर अच्छे हैं, मैं फिजिकल कर लूँगा, तो ये गलत फहमी उनके दिमाग में है। वो मतलब अच्छे नंबर है तो उनको फिजिकल करना चाहिए ताकि क्या है कि ग्राउंड में आके उनको एक्चुअल पता चले कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि कह रहे हैं कि दौड़ कर लेते थे लेकिन इनको एक्चुअल टाइम तो यहाँ आके पता चला, उनके मन में यहाँ उस समय गलत फहमी थी कि हाँ हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपका ना तो कोई चेक करने वाला होता है, ना कोई इक्विपमेंट होते हैं और ना आपको कोई दिशा निर्देश देने वाला होता है। तो यहाँ आकर ग्राउंड में आपको एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और एक्चुअल टाइम इक्विपमेंट के साथ विद कोच, तो यहाँ आपको एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। बाहर सड़क पे ना तो आपके सामने लेंथ नापने का कुछ होता है, एक आइडिया से दौड़ते हैं और आप आइडिया से घड़ी खुद ही देख के देखते हैं कि हाँ भाई हो रहा है, लेकिन वहाँ एक एक सेकंड का फ़र्क है, वहाँ तो सीधा इन और आउट इतना ही बात होता है, उसमें आपको ना कोई एक्सक्यूज चलता, कुछ भी नहीं चलता है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, मैं अनिल कुमार, 288 मार्क्स इन OBC। मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मैं इवेंट है पूरे कर लूँगा। चिनअप में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं 10-15 दिन में है वो रिकवर कर लूँगा, और यहाँ का स्टाफ है बहुत सपोर्ट कर रहा है और साथ के जो स्टूडेंट है वो भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ईजी हो रही है। तो देखें, इनको यहाँ का माहौल अच्छा लगा है और चिनअप्स वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं विद्यार्थियों को अभी आपके आगे चिनअप्स करते हुए वीडियो भी दिखाऊंगा कि कितने विद्यार्थी साथ कर पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी एक पे भी होंगे, दो पे भी होंगे, ऐसा नहीं है हम केवल आपको साथ वाले दिखाएंगे, एक वाले भी हैं। और मैं एक वालों का वीडियो आज बना रहा हूँ, 15 दिन बाद उन्हीं का साथ वाला भी वीडियो बनाऊंगा ताकि पता चले कि वास्तव में यहाँ आने के बाद उनके चिनअप्स की कैपेसिटी बड़ी है ना। जी नमस्ते, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और मेरे OBC कैटेगरी से 295 मार्क्स आ रहे हैं और मुझे ज्वाइन किए यहाँ पे 20-25 दिन हो गए हैं और शुरुआती दिनों से अब काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हो रही है। और हमारे कोच में नरेंद्र जी सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं और हम भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और तीनों इवेंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है हमारा, और 20-25 दिन और है हमारे पास, यदि हम इसी तरह से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम फिजिकल के लिए अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा नाम संजय कुमार बंसीवाला है, मैं टोंक देवली से हूँ और ऐसी कैटेगरी में 240 मार्क्स हैं और यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेट मिल रहा है और सर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पहले चिनअप में एक भी नहीं निकल रहा था, अभी फ़िलहाल एक तो निकल रहा है और लॉन्ग जंप में 14 फीट और टाइमिंग 15 सेकेंड। देखें, इनके मार्क्स भी आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं इनसे एक चिनअप्स निकल रहा है। ठीक है, मानो ये घर रहते और सीधा मानो रिजल्ट आ जाता और फिजिकल के लिए जाते तो इनको आइडिया नहीं रहता एक भी कैसे निकालना है, तो समय रहते आगे हैं, अब एक निकल रहा है तो अगले 20-25 दिन इनको मौका मिलेगा कि सात तक पहुंच जाए। तो आप भी यदि गलत फहमी में है कि हम चिनअप्स वहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम लेखराज सिंह है और 270 मार्क्स OBC कैटेगरी से बन रहे हैं। फिलहाल यहाँ आने के बाद स्टेमिना में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और रनिंग और चिनअप में थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी रनिंग और लॉन्ग जंप ठीक हो रहा है। चिनअप 5 हो पा रहे हैं अभी फिलहाल। चलिए, 5 चिनअप हो रहे हैं लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द 10 दिन में 7 तक पहुंच जाएंगे ना। चलिए, मेरा नाम विजेंद्र पवार है, मेरे SC कैटेगरी में 270 नंबर है और चिनअप मेरे 2 हो रहे हैं सर और रनिंग मेरी 14 सेकेंड में हो रही है और लॉन्ग जंप मेरी 13 फीट हो रही है सर। और यहाँ अर्जुन क्लासेस ज्वाइन की, मुझे 20-22 दिन हो गए, नरेंद्र सर के निर्देशन में अच्छा हो रहा है सर। चलिए, तो अभी चिनअप्स में अभी इनकी कमी है लेकिन पूर्ण विश्वास है कि ये कोच सर के निर्देशन में चिनअप्स 7 तक पहुंच जाएंगे। मेरा नाम भीमा राम है और मैं सिरोही के TSP क्षेत्र से हूँ और मेरे मार्क्स 240 नंबर आ रहे हैं और मैं अभी घर पे कर रहा था लेकिन मेरे नहीं हो रही थी दौड़, अभी मेरी इम्प्रूवमेंट आई है और अभी चिनअप मेरे थोड़े 2 ही हो रहे हैं लेकिन अभी मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। चलिए, देखें हकीकत है चिनअप्स 2 ही हो रहे हैं तो यहाँ आने के बाद देखो 10 दिन हो गए हैं तो उम्मीद है 15-20 दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो चिनअप्स की अपनी ये जो डिमांड है ये पूरी हो जाएगी। मेरा नाम जितेंद्र गहलोत है, मैं OBC कैटेगरी से 290 मार्क्स
गेन कर पाया हूँ रिटन एग्ज़ाम में। एंड अभी मुझे यहाँ 1 वीक हुआ है, यहाँ पर 100 मीटर शूट में मेरा इम्प्रूवमेंट है। विद इन 50 सेकेंड मेरा 100 मीटर रेस हो पा रही है। लॉन्ग जंप भी मेरा 14 फिट हो पा रहा है, लेकिन चिनअप्स में अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, चिनअप्स नहीं हो पा रहे हैं। आई होप कि सर के गाइडेंस में मेरा बहुत जल्दी मैं अच्छा कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया। देखें दोस्तों, मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं टाल के उन विद्यार्थियों को आगे खड़ा करके पहले कह देता कि चिनअप्स हो रहे हैं, लेकिन इस फिजिकल वीडियो बनाने का अर्थ ये है कि वास्तव में विद्यार्थियों से चिनअप्स हो नहीं रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है अच्छे दिशा निर्देश की और समय देने की। तो चिनअप्स आपको साथ निकालना है, यदि आप पहले से सिर्फ 1 या 2 कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको 25-30 दिन अच्छे ट्रेनिंग के लिए इस प्रकार की गाइडेंस आनी चाहिए, तब आप जाके 7 तक पहुँचेंगे। जी, मेरा नाम भावेश कुमार है और मेरे एससी कैटेगरी से 210 नंबर आ रहे हैं और मेरे को यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं और पहले मेरे एक भी चिनअप नहीं निकल रहा था। अब 3 दिन में इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे 1-2 हो रहे हैं फिलहाल, और 100 मीटर रेस भी अब 15 सेकंड में हो जाती है मेरी, और लॉन्ग जंप 11-12 फिट में कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है, 3 दिन ही हुए हैं, पहले चिनअप्स ट्राई भी नहीं कर पाते थे, अब 1-2 तक हो जाता है, तो उम्मीद है अगले 15-20 दिन में ये भी पूरा कर पाएंगे। चलिए अब इनसे पूछते हैं कितने नंबर आ रहे हैं और कितने समय से फिजिकल कर रहे हैं। 290 नंबर बन रहे हैं, कल ही अर्जुन क्लास से ज्वाइन किया है, अभी तो 2 ही चिनअप निकल रही है। उम्मीद है ज्वाइन किया है ना। हाँ। चलिए ठीक है, उम्मीद है 10-15 दिन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी आपके जॉइंट वॉइंट खुलने शुरू हुए हैं। हाँ। तो उम्मीद है कि अगली बार ये अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल 2 दिन ही हुए ज्वाइन किए हुए इनको। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भजन लाल है, मेरा 275 मार्क्स है और मैंने कल ही ज्वाइन किया है। कौन सी कैटेगरी से आपके? ओबीसी से। ओबीसी से 275 मार्क्स है, ठीक है। और अभी एक ही चिनअप हो रही है, दौड़ मेरी 16 सेकंड में हो रही है अभी। ठीक है, तो एक ही दिन हुआ है, एक चिनअप्स निकाल पा रहे हैं और दौड़ 16 सेकंड में कर रहे हैं, तो उम्मीद है समय रहते आगे हैं, तो अगले 25 दिन में कभी भी ऐसा फिजिकल का कॉल हुआ, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो बिल्कुल ये उस समय तक तैयार रहेंगे जब लोग सोचेंगे कि अब हम जाके एक चिनअप्स निकालें, तो उम्मीद है तब तक ये 7 तक पहुँच भी जाएंगे। मेरा नाम रवि है सर, 285 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी है और लगभग सब इवेंट कर रहे हैं, 1 मंथ हुआ आते हुए, और कोच हमारे सर बहुत बढ़िया सर, सारे इवेंट हो जाते हैं आपसे? हाँ सर, लगभग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, महीने भर हुआ है और अभी सारे इवेंट कर लेते हैं। सर का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर, और कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सपोर्ट करते हैं सर। बिल्कुल, तो कोच साहब का मैंने भी देखा, सारे विद्यार्थी उनसे संतुष्ट है और वास्तव में वो मेहनत करते हैं खुद, है ना। एक तो होते हैं कि भाई हाँ कोच है, वो आपको केवल दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सर सारे इवेंट खुद करते हैं विद्यार्थियों के साथ में रोज। सुप्रभात सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे 302 मार्क्स है, पिछली बार भी रूबरू हुए थे और इस बार आपसे और वापस सने मिलन, बहुत बहुत बधाई, और काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहा है मेरे लिए अर्जुन क्लासेस, और दौड़ भी अच्छी हो रही है, चिनअप भी 4 निकल रही है और लॉन्ग जंप भी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। और जैसे कोच सर के बारे में साथी ने भी बताया और मैं भी कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से हमको करवा रहे हैं और हम इनसे बहुत प्रसन्नचित हैं। चलिए, बिल्कुल सारे विद्यार्थी कोच साहब से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुभाष बिश्नोई है, मैं ओबीसी कैटेगरी से, मेरे 295 मार्क्स आ रहे हैं। अर्जुन क्लासेज में हमारे कोच नरेंद्र जी सर बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं और इनके निर्देशन में हमारे तीनों इवेंट बहुत ही मजबूत हो गए हैं। चिनअप मैं 10 लगा पा रहा हूं और लॉन्ग जंप 14 फिट तक आ गए हैं और रनिंग मेरी 15 सेकेंड में हो रही है। इनके निर्देशन में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। 10 चिनअप्स लगा लेते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इनका। चलिए इनसे भी पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम एहतराम है, बस पहले मेरी दौड़ हो रही थी 14 में, ठीक है, अभी फिर भी 14 में हो रही है और सुधार हुआ है, लेकिन क्वालिफाई हो रहे हो ना? क्वालिफाई 2 इवेंट में हो रहा हूँ, 1 इवेंट में नहीं हो रहा, चिनअप अभी बाकी है। चिनअप अभी बाकी। चलिए, तो ये 2 इवेंट में क्वालिफाई कर पा रहे हैं लेकिन चिनअप्स अभी भी इनका बाकी है, तो अभी मैं आपको अगले इस वीडियो में आगे और बताऊंगा कि चिनअप्स कौन से विद्यार्थी कितने कर पा रहे हैं और वास्तव में कैसे उनको करवाए रहे हैं, और लॉन्ग जंप और गोला फेंकना इन सब के इवेंट के बारे में बताऊंगा, ताकि आप घर बैठकर एक बार ये सुनिश्चित कर सकें कि क्या आपको भी फिजिकल के लिए अर्जुन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज फिजिकल ग्राउंड में हमारे पुराने साथी और अर्जुन टीम के सदस्य सीरवी सर हमारे साथ मौजूद हैं और ये रोज़ यहाँ अपना दिशा निर्देशन विद्यार्थियों को देते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अर्जुन क्लासेस का फिजिकल कैसा चल रहा है, क्योंकि जब फिजिकल शुरू होता है तो रोज़ सब सर भी यहाँ रोज़ मॉर्निंग वॉक में आते हैं, तो सर के दिशा निर्देशन में हमेशा विद्यार्थी देखते हैं, तो सर भी हमारे सूचना देते रहते हैं कि बिल्कुल फिजिकल सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो सर से जानना चाहूँगा मैं।
सर्वप्रथम अर्जुन टीम को और कोच को बधाई। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। विद्यार्थी प्रतिदिन बहुत बढ़िया अभ्यास किए कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि जोधपुर में इससे बेहतर कोई एकेडमी नहीं है। और इनके कोच को विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप सवेरे 5:30 बजे से मेहनत करते हैं और विद्यार्थियों को पूरी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि लॉन्ग जंप का इवेंट शुरू होने वाला है, तो यहाँ से आप अलग अलग लाइन देख रहे हैं, 8 की, 10 की, 13 की, 15 की। तो यहाँ अभी आप खुद देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि विद्यार्थी लॉन्ग जंप कितनी कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल अगला वीडियो में आपको विद्यार्थियों का लॉन्ग जंप का लाइव रूबरू होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी है, तो अब जहाँ तक मैंने देखा है, गर्ल्स अपने लगभग 3.5 इवेंट क्लियर कर पा रही है और बॉयज़ में सभी बॉयज़ 2 इवेंट तो एकदम क्लियर कर पा रहे हैं। और चिनअप्स का है तो कुछ विद्यार्थी कर पा रहे हैं, कुछ अभी संघर्ष कर रहे हैं और कुछ ने अभी शुरुआत की है। तो उम्मीद करते हैं अगले 15-20 दिन में जितने भी विद्यार्थी यहाँ अर्जुन क्लासेस के इस फिजिकल ग्राउंड में हैं, वो सभी अपने 3 ही एक्टिविटीज़ पूरी कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा मार्गनिर्देशन कोच साहब से भी चाहूँगा कि वो भी कुछ कहें कि विद्यार्थियों की तैयारी कैसे चल रही है और विद्यार्थियों को समय रहते पहले ही कोचिंग क्यों ज्वाइन कर लेनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। अर्जुन क्लासेज के सभी फिजिकल स्टूडेंटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो शुरू से आ रहे हैं,
और अभी तक जो जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है उनका बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी भी धीरे चल रहे हैं। गर्ल्स में है जो जिनके 3 इवेंट्स हैं लगभग, इनके अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, थोड़ा सा उनके रेस में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट है जो रेस क्लियर कर लेते हैं। और बॉयज़ में है ज़्यादातर प्रॉब्लम चिन अप पे आ रही हैं, कुछ बॉयज़ है जो 10 तक भी कर रहे हैं, कुछ 4 भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी इनका कवरिंग पे हो जाएगा। और अभी रिजल्ट की घोषणा होने वाली है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कोई दिखावटी चीज़ नहीं दिखाई है, सब ओरिजिनल दिखाया है। आप YouTube पर और भी कई वीडियो देखते होंगे, वो केवल और केवल कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनकी है वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ अर्जुन क्लासेस के वास्तविक फिजिकल क्रिएटिविटी से आपको रूबरू करवाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और जो विद्यार्थी यहाँ क्षेत्र के आसपास हैं, यदि उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो जल्द ही अर्जुन का फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं, और समय रहते ज्वाइन कीजिए ताकि बाद में आपके फिजिकल को लेकर कोई डाउट नहीं रहे। ये सब विद्यार्थी हैं तो इन सब में कॉन्फिडेंस है, यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस दुगुना हो गया है कि यदि हम लिखित परीक्षा में पास होते हैं तो फिजिकल में हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सभी को कॉन्फिडेंस है भाई फिजिकल में हो जाएगा? तो चलिए एक बार बढ़िया सा जयकारा लगा लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।